हाय एवरीवन। तो यार हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर आप लोग सीखते हैं उसको आप कैसे याद रखें सो दैट यू कैन एफिशिएंटली यूज इट ड्यूरिंग द कोडिंग राउंड्स या ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी एंड किस तरीके से लोग एल्गोरिदम्स को एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को याद रख पाते हैं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट करके ये बता देना कि डू यू नीड अ वीडियो ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट हाउ इंपॉर्टेंट आर कम्युनिकेशन स्किल्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। क्या आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं? अगर इस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार आई विल गो स्टेप बाई स्टेप। तो यार स्टेप नंबर वन तो ये है दैट वेन एवर यू लर्न एन एल्गोरिदम और अ डेटा स्ट्रक्चर और अ न्यू टेक्निक, लर्न इट फ्रॉम अ वेरी गुड रिसोर्स। अगर आप YouTube की ही कोई वीडियो फॉलो कर रहे हैं देन मेक श्योर दैट वहां पर भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। आई नो YouTube वीडियोज आर वेरी इजी टू फॉलो, दे आर वेरी गुड एंड यू कैन विजुअलाइज थिंग्स वैन यू आर वॉचिंग YouTube वीडियोज। लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग कुछ कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। वेन एवर आई क्रिएट वीडियोज आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम सेवरल पीपल बिफोर अपलोडिंग इट एंड आई ट्राई टू वेरीफाई फ्रॉम सेवरल रिसोर्सेज देन ओनली अपलोड, बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियोज को देखते हैं एंड किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। सो दैट इज वाई ऑलवेज फॉलो एन ऑथेंटिक रिसोर्स टू स्टडी। अब हम लोग यार दो बहुत ही अच्छे रिसोर्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। वन इज CP एल्गोरिदम्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। CP एल्गोरिदम एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, यहाँ पर आपको सारे के सारे एल्गोरिदम्स मिल जाएंगे जो भी हम लोग कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको अगर सिक्वेंशली फॉलो करने लग जाएंगे तब दिक्कत आएगी, बिकॉज इसमें कुछ एडवांस एल्गोरिदम्स भी हैं और कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी हैं जिनको आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। बट लेट से आपको पता चलता है कि आपको नया टॉपिक पढ़ना है DSU, डिसजॉइंट सेट यूनियन, तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं आराम से एंड यू कैन सर्च फॉर DSU, डिसजॉइंट सेट यूनियन, देन यू कैन रीड अबाउट इट प्रॉपरली फ्रॉम हियर। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, डायग्राम्स भी हैं, साथ साथ कोड भी है C++ में। ओके, आफ्टर दैट सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ। देन एट द एंड यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की लिंक दी हुई है कई सारे रिसोर्सेज की, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। सारे के सारे ट्राई नहीं करो तो एटलीस्ट दो या तीन क्वेश्चंस यहाँ से ट्राई कर लेना, बिकॉज इनकी लेवल जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, बट इनसे आपको सीखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगा इस एल्गोरिथम के बारे में। ओके, मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट सॉल्व टू और थ्री प्रॉब्लम्स फ्रॉम हियर। एक बार एल्गोरिदम यहां से आपने सीख लिया देन यू कैन मूव टू लीड कोड या फिर कोड स्टूडियो। ठीक है, लीड कोड या कोड स्टूडियो पे जाकर के यू कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स ऑन दैट एल्गोरिदम। जैसे मैंने DSU यहां से पढ़ लिया है, मैं लीड कोड पे जाऊंगा और वहां पर जाकर DSU के और प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। अब यहां पर आके हमने ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्व किए हैं बेसिकली बिकॉज इनका जो लेवल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है और इंटरव्यूज में ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहां से आपको कुछ ईजी, कुछ मीडियम और एक दो हार्ड प्रॉब्लम कर लेनी है। ऑलराइट, ठीक है, आई नो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल हैव टू गिव टाइम, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न द एल्गोरिदम प्रॉपरली। जब मैं बोलता हूँ ना कि एल्गोरिदम कैसे याद रखें, तो याद रखने का तरीका यही है दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोड कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझनी पड़ेंगी। ओके, ये पहला स्टेप है हमारा। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये दूसरा स्टेप है हमारा। तो अब साथ ही साथ आप लोगों को दूसरा एक बहुत अच्छा रिसोर्स मैं बता देता हूँ। इट इज़ अ बुक कंपेरेटिव प्रोग्रामर्स हैंडबुक, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था एंड इसमें कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग के ही नहीं, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम और बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं और इंग्लिश इस बुक की बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक फ्लो में आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते चले जाएंगे जिस भी टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे। ओके, यकीन मानना बहुत ही अच्छी इंग्लिश में लिखी हुई है, ये बहुत ही ईजी इंग्लिश में लिखी हुई है और इसमें आपका कोड भी अवेलेबल है। ओके, अब लड़ा से मुझे टू पॉइंटर अप्रोच के बारे में पढ़ना है, तो टू पॉइंटर अप्रोच के बारे में यहाँ से मैं पढ़ूंगा और उसके बाद इसमें एक दो एग्जांपल्स भी होंगे, जैसे कि टू सम प्रॉब्लम एंड देन यू विल ऑल्सो हैव दी कोड इन फ्यू एल्गोरिथम्स। ओके, यहाँ पर कोड नहीं लिखा हुआ है बट काफ़ी जगह पर आपका कोड भी यहाँ पर लिखा होता है, रेंज बेस्ड क्वेरीज इसमें आपका कोड लिखा हुआ है, देन आपको सारे के सारे ग्राफ एल्गोरिदम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने ग्राफ एल्गोरिदम्स एक्चुअल में यहीं से पढ़े थे स्टार्टिंग में, सो यू कैन फॉलो दिस एज वेल। तो मैंने दो बहुत अच्छे रिसोर्स बता दिए हैं, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मैंने कोड स्टूडियो एंड लीड कोड बता दिया है, ये दोनों बहुत ही अच्छे रिसोर्स हैं। अब यार थर्ड स्टेप ये है कि यार जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे की हैं जो आप लोग सीख रहे हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लो। वो लीड कोड की भी हो सकती है, वो आपकी कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेलेक्ट दैट प्रॉब्लम एंड नोट इट डाउन, उसको अच्छे से एक पेन एंड पेपर पर लिख लो।
एंड कीप कलेक्टिंग दिस फॉर एवरी एल्गोरिदम दैट यू लर्न, एवरी टेक्निक दैट यू लर्न और डेटा स्ट्रक्चर दैट यू लर्न. सबके लिए एक एक प्रॉब्लम अपनी नोट डाउन करते जाओ और उसको एक कलेक्शन बना लो. ठीक है, बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं बनेगा, मैक्सिमम आपके 30-40 पेजेस होंगे ये मैक्सिमम. ओके, अब ये आपने नोट डाउन करके लिख के तो रख लिए हैं, अब आपको आगे क्या करना है तो वो भी आपको बताते हैं. उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट क्रायो डॉट डू. सो बेसिकली क्रायो डॉट डू इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न डेवलपमेंट. तो यार रिज्यूमे में हम लोगों को प्रोजेक्ट्स अगर ऐड करने होते हैं, डेवलपमेंट स्किल्स इंप्रूव करनी होती हैं, तो यार क्रायो डॉट डू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग डेवलपमेंट सीख सकते हैं. यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज फुल स्टैक डेवलपमेंट. तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में बेसिकली यू गेट टू लर्न अबाउट AWS, Node.js, Mongo, React, HTML, CSS, JavaScript, जितना भी आपका फ्रंट एंड में यूज होता है सारा का सारा सिखाया जाएगा. और उसमें सिर्फ सिखाया ही नहीं जाता, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं होते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है प्रॉपर बनाने के लिए. अब यार यहाँ पर सिर्फ आपके वीडियोस अवेलेबल नहीं होते जिनको देख करके आप लोग सीख लेंगे, आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है एंड उससे आप लोग यहाँ पर सीखते हैं. देन सेकेंड प्रोग्राम इज दी बैक एंड प्रोग्राम जहाँ पर यू लर्न जावा, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा, AWS, डॉकर, जितना भी हमारा बैक एंड में यूज होता है आपको यहाँ पर सेम तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम करा करा करके सिखाया जाता है. देन द थर्ड प्रोग्राम इज दी फेलोशिप प्रोग्राम विच गारंटीज योर प्लेसमेंट. तो बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम जहां पर आप लोगों को ओवरऑल प्लेसमेंट रेडी बनाया जाता है एंड एट द एंड आपकी प्लेसमेंट की गारंटी भी ली जाती है. अब यहाँ पर क्रायो डॉट डू ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे हुए हैं, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाना है. यू विल रीच टू दिस पेज. यहाँ पर आप लोग अगर अपनी ईमेल आईडी एंटर करते हैं देन यू विल बी एबल टू अनलॉक दीज गिफ्ट्स. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक फ्री गाइड फॉर योर मिनी प्रोजेक्ट मिल जाएगी जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं. देन यू विल गेट टिप्स फॉर योर रिज्यूमे, देन टिप्स फॉर योर इंटरव्यूज. तो यह लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू कैन गो एंड अनलॉक दीज गिफ्ट्स. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द वीडियो. तो अब आप लोगों ने अपना एल्गोरिदम्स अच्छे से सीख लिया, उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, उसमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनका प्रॉपर नोट बना लिया. नोट बनाने के बाद उसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वहां पर मेंशन कर दी एंड पूरा का पूरा कोड वहां पर मेंशन कर दिया. नाउ अगर आप लोग इसको पढ़ा रहने देंगे ना एक कोने में, देन यू विल अगेन फॉरगेट दीज एल्गोरिदम्स. तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिले संडेज पे, सैटरडेज में या फिर 2 वीक के बाद, ट्राई टू गो थ्रू दिस एल्गोरिदम. ओके, ट्राई टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन. इसको क्वेश्चन रटना नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग एल्गोरिदम रिवाइज कर रहे हैं. वी आर नॉट रिमेंबरिंग ऑल दी क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस एल्गोरिदम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी गुड एट दिस एल्गोरिदम, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी फ्लुएंट एट दिस एल्गोरिदम. अगर आप लोग नहीं करेंगे ना ये चीज, देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी फॉरगेटिंग दिस एल्गोरिदम, यू विल नॉट नो हाउ टू यूज दिस एल्गोरिदम. और अगर आप ये सारी टिप्स सिंसियरली फॉलो करते हैं देन आपके सारे क्वेश्चंस जो भी इस एल्गोरिदम पे बन सकते हैं फॉर इंटरव्यूज, वो सारे के सारे आपसे हो जाएंगे. तो यार डू फॉलो दीज टिप्स एंड आफ्टर मेकिंग दोज नोट्स, डू नॉट थ्रो देम अवे, डू नॉट कीप देम इन अ कॉर्नर. आप लोगों को सैटरडेज या संडेज में उनको एक बार गो थ्रू जरूर करना है एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न एल्गोरिदम्स एंड यू विल बी एबल टू कोड देम ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज. अगर आप लोग वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बहुत सारी और वीडियोज आने वाली हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स. लेट अस मीट इन अनदर वन. थैंक यू.